कांग्रेस पार्टी ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को राहुल गांधी के फॉर्मूले पर लड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा चुनाव के लिए इस बार कांग्रेस ने जिला अध्यक्षों को एक प्रोफार्मा जारी किया गया है, जिसमें वो लोकल मुद्दे, प्रभावी लोगों की जानकारी और राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणाओं पर कितना अमल हुआ है, इस बारे में पूरी जानकारी भरेंगे। वहीं जिला अध्यक्षों को प्रभारियों से 3 उम्मीदवारों के नाम की सूची भी मांगी जाएगी, जिसके आधार पर टिकट फाइनल किया जाएगा। जिला कांग्रेस के अध्यक्षों को और जो प्रभारी उपाध्यक्ष और महामंत्री हैं, उनको सबको प्रोफार्मा दिया है, और जब वो अपने दौरे पर जाएंगे तो वहाँ पर सारी चीज़ें फीडबैक लेंगे कि कितनी घोषणाएँ हुई, उस पर कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, और कौन कौन वहाँ प्रभावी व्यक्ति हैं, कौन कौन वहाँ उम्मीदवार हैं, और उन सबका सारा का सारा फीडबैक तैयार करके प्रोफार्मा में प्रदेश कांग्रेस कमेटी को देंगे। क्या क्या इशू हैं वहाँ पर, किस किस इशू के ऊपर लोकल में चुनाव लड़ना चाहिए, इससे वहाँ के इशू भी पता लग जाए, प्रदेश कांग्रेस में जमा करेंगे। और इसके बाद में ये सारा मटेरियल हमारे प्रभारी मोहन प्रकाश जी के पास जाएगा, और उसके बाद में सारी चीज़ें तैयार हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष का कहना है कि इस बार टिकट पाने के लिए कठिन प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ेगा। पूरी लिखा पढ़ी और जांच पड़ताल के बाद ही उम्मीदवारों के नाम फाइनल किए जाएंगे। वहीं स्थानीय मुद्दों के आधार पर चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने का प्रयोग भी पहली बार किया जा रहा है।